हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैथ्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्स रिलेशन और कंप्लीमेंट रिलेशन। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और आप लोग भी तैयार हो जाए कॉपी कलम लेकर के और हेडिंग लगा लें इनवर्स एंड कंप्लीमेंट रिलेशन। ठीक है, आइए पहले आपको यहां डिस्कस कर लेते हैं कि ए में एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी में एलिमेंट है ए बी। तो ए क्रॉस बी में क्या मिलेगा आपको? 1A, 1B, 2A, 2B, 3A और रिलेशन लेते हैं आर वन, 1A, 1B, 2A और आर टू रिलेशन लेते हैं 1A, 2B, 3A और आपको बता चुके हैं रिलेशन तभी होगा जो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। यदि ए से बी पर रिलेशन डिफाइन किए हैं तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा और ए से ए पर डिफाइन करते तो ए क्रॉस ए का सबसेट होता। बात क्लियर है? अब आइए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्स रिलेशन के लिए। इनवर्स ऑफ इनवर्स रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, इनवर्स ऑफ रिलेशनशिप देखिए क्या होगा। इसमें जो एलिमेंट आएगा इसको डिनोट सबसे पहले किया जाएगा आर इनवर्स से। क्लियर है? आर इनवर्स डिनोट करेंगे। इसमें जो एलिमेंट होगा वह बी ए करके आएगा, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू। यदि ए बी आर में है तो आर इनवर्स में क्या होगा? बी ए को एलिमेंट क्या हो गया? ऑर्डर में इंटरचेंज हो गया। बात क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ आर वन हम लेके रखे थे। अगर हम आपसे पूछें आर वन इनवर्स क्या होगा तो आप बताएंगे यहाँ पर क्या होगा कि 1A आर वन में है तो इनवर्स वाले में क्या होगा? इसका इंटरचेंज है ना। यदि ए बी आर में है तो बी आर इनवर्स में जा रहा है, इंटरचेंज कर लीजिए। तो यहाँ लिखा जाएगा 1A को ए वन, यहाँ लिखा जाएगा बी वन, यहाँ लिखा जाएगा ए। बात क्लियर है? अब यह ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं होगा, अब सबसेट होगा फिर किसका होगा? बी क्रॉस ए का होगा। कहने का मतलब पहले बता रहा था ए से बी पर रिलेशन हो रहा है, आप किस पर बता रहा है? बी से ए पर हो रहा है। बात क्लियर है? आज हम आपसे पूछे यहाँ पे आर टू इनवर्स क्या होगा तब क्या बताएंगे? यहाँ बताएंगे ए वन बी टू ए थ्री और बी थ्री। बात क्लियर है? तो यह आपका हो गया इनवर्स रिलेशन। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ आर इक्वल हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ आर इनवर्स, इसको ध्यान रखना है। कहने का मतलब यह था आर में जितना रिलेशन एलिमेंट होगा उतना ही रिलेशन, सॉरी आर में जितना एलिमेंट होगा उतना एलिमेंट किसमें होगा? आर इनवर्स में होगा। देख लें आप आर में एलिमेंट कितना, आर वन में कितना था? 1, 2, 3। आर वन इनवर्स में 1, 2, 3। आर टू में एलिमेंट था 1, 2, 3, 4। आर टू इनवर्स में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। क्या बात क्लियर है? आगे चले चलते अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको? कंप्लीमेंट रिलेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी में हम कर लेते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, तो कंप्लीमेंट को डिनोट किया जाएगा आर सी या आर डैश या आर वार से। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट होगा ए बी, साइज ए बी जो होगा
वो आपका ए क्रॉस बी में होगा, बट ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू, ध्यान से समझना है कि वो इसमें जो ए बी एलिमेंट आएगा वो कहाँ का आएगा, क्रॉस का तो होगा, ए क्रॉस बी का तो होगा ही, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें से एलिमेंट आना या ना, लेकिन ए बी जो होगा वो आर में नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है? एग्जाम्पल ये इसको और शॉर्ट में हम लिखना चाहें तो आर कंप्लीमेंट में जो एलिमेंट आएगा वह क्या होगा, ए क्रॉस बी से आर का एलिमेंट निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी आ गया पूरा, उसमें नहीं है कौन, आर का एलिमेंट नहीं होनी चाहिए, तो आर को क्या किया उसमें से निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आपसे पूछें आर वन कंप्लीमेंट क्या होगा, आप देख पा रहे, तो क्या करना पड़ेगा कि R1 का जो एलिमेंट है उसको कहां से निकालना पड़ेगा, A क्रॉस B से, है ना। R कॉम्प्लीमेंट में क्या करना पड़ा, R का एलिमेंट निकालना पड़ा कहां से, A क्रॉस B से। उसी प्रकार R1 कॉम्प्लीमेंट में क्या करना पड़ेगा, R1 का जो भी एलिमेंट है उसको A क्रॉस B से निकालना होगा। क्या निकल जाएगा, यह निकल जाएगा, यह भी निकल जाएगा और यह निकल जाएगा, क्या मिलेगा आपको, 2B 3A और 3। बात क्लियर है? ये तीनों जब निकाल लेंगे 2b 3a 3b मिलेगा। यदि आपसे हम पूछें r2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्या बताएंगे, r2 का जब कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछा जाएगा आप बताएंगे यहां पर कि r2 वाला एलिमेंट a क्रॉस b से निकल जाना है, तो 1a 2b 3a 3b यह चार एलिमेंट निकल जाएगा, 1a 2b 3a 3b, तो क्या मिलेगा आपको, 1b 2A। बात क्लियर है? ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। एक बात और यहां ध्यान देने वाली बात है, कहते R यूनियन R कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वह क्या मिलेगा, A क्रॉस B, ठीक है। खैर यहां A क्रॉस B जो है इनवर्सल सेट का काम कर रहा है रिलेशन के लिए, क्योंकि A क्रॉस B जो होगा वह सबसे बड़ा रिलेशन होता है, तो इनवर्सल रिलेशन का वह काम कर रहा है, इनवर्सल सेट ऑफ रिलेशन का काम कर रहा है, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होगा सबसे बड़ा रिलेशन होता है। एक तो जो है सेट की बात करें तो एक क्रॉस बी एक जो है रिलेशन का इनवर्सल सेट का काम कर रहा है। चलिए और तो ये एक आर देख रहे हैं आप, या आर यहाँ यदि आर वन कर दे, ये भी आर वन होता, तो आर और आर का कॉम्प्लीमेंट, तो आर वन और आर वन का कॉम्प्लीमेंट दोनों का मिनियन कर लेंगे, इसको और इसको मिनियन कर लेंगे, क्या होगा, 1A 1B 2A 2B 3A 3B, छह एलिमेंट हो जाएगा जो यह कंप्लीट बन जाएगा, तो किसके और आ गया, A क्रॉस B के। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें R इंटरसेक्शन R कॉम्प्लीमेंट, तो यह क्या हो जाएगा, 5, मतलब कुछ कॉमन उसमें, इसको आप ध्यान रखें। जो भी आप इंपॉर्टेंट सब बातें आती जा रही है हम उसको बताते चल रहे हैं, आप लोग उसको उसी तरह नोट बनाते जाएं और करते चलेंगे तो आपको आगे समय में और भी अच्छा से समय में आते रहेंगे, ठीक है ना। तो इससे होगा कि आपको नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में, हर जगह इसका हेल्प मिलना है, ग्रेजुएशन में तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको नेट गेट जो भी प्रिपरेशन करेंगे वहाँ भी आपको इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप इससे मेरे साथ बने रहें और नोट्स तैयार करते जाएं, जितना ज़्यादा ज़्यादा हो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमको भी इंटरेस्ट आए आप लोगों के साथ कि आप लोग भी जो हम वीडियो तैयार कर रहे हैं, जो हम लेक्चर दे रहे हैं आप लोगों को, आप उसको पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट दें करें हमको, और कुछ सुधार करने का आवश्यकता होगा सुधार किया जाएगा, और कोई भी आपको लग रहा है कि नहीं हमको फलाने टॉपिक पर जाइए तो उसके बारे में कमेंट करें, ऐसे हम सिलसिलेवार ढंग से हम शुरू से लेकर लास्ट तक हम चलते रहेंगे, ठीक है ना। आपको कुछ ना कुछ वीडियो मिलते जाएगा, जो हम स्टार्ट करेंगे उसको पहले हम कंप्लीट करेंगे, जैसे हम सेट थ्री स्टार्ट किए इसको पहले कंप्लीट कराया जाएगा तभी हम दूसरे टॉपिक पर हम आए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी बात मेरा, इस तरह फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि हम जो बात आपको समझाना चाह रहे हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे और आप लोग को मज़ा भी आ रहा होगा, इस प्रकार आप लोग मेरे साथ बने रहें। तो इस तरह से आप बेसिक बेसिक बात सीखने से क्या होगा, आगे कितना बड़ा सा प्रॉब्लम आएगा उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ तक नहीं कि आपको 11 12 ही नहीं, बीएससी में ही सिर्फ नहीं, आपको जो है इसका यूजफुल जो है गेट नेट का भी आप तैयारी करेंगे तो आपको मिलेंगे। हम उस तरीका से हम लेके चल रहे हैं कि बेसिक से लेके हम हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक है ना, ताकि आप नेट गेट की तैयारी भी करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और हम जो भी लेसन स्टार्ट करेंगे उसको हम कंप्लीट करते चलेंगे,
सेट थ्री स्टार्ट होगी, प्लस सेट थ्री कंप्लीट करेंगे तभी हम न्यू लेसन पाएंगे। तो सिर्फ आप लोगों को इतना काम करना है कि कैसा लग रहा है, लाइक या डिसलाइक आपको करना है, ठीक है ना। लाइक या डिसलाइक जरूर आप करें, और कमेंट भी क्या करें कि कैसा लग रहा है या क्या आपका डिमांड है, ठीक है, ताकि हमको भी इसमें इंटरेस्ट आए कि नहीं, कि स्टूडेंट लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और कैसा लग रहा है। हम अधिक कुछ कहीं कमी रह जा रहा हो तो उसके बारे में आप कमेंट करें। हम पूरा उम्मीद करते हैं कि कहीं कमी ना रहे और आप लोग अच्छी तरीके से समझ भी आए। आप लोग मेरे साथ सिर्फ बने रहें और देखते रहें वीडियो, जितना ज़्यादा ज़्यादा हो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, है ना। और उसमें क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है इसके बारे में कमेंट करें कि कैसे हमको करना है। हम पूरा प्रयास करते हैं कि हर छोटी छोटी बात आपको बताएं, क्योंकि हम जहाँ से स्टार्ट किए अभी तक में आप लोगों को शायद यह पाँचवा या छठा वीडियो होगा। आप शुरू से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आपको शुरू से हम बताएं कि सेट क्या है, उसका बेसिक डिफिनेशन क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेशन क्या लगेगा, ऑपरेशन ऑन सेट क्या होगा, उसके बाद हर चीज़ को हम बताते हुए आ रहे हैं ताकि जो 11th क्लास के भी बच्चे हैं तो उसको भी समझ पहले आ जाएगा, जो BSc में पढ़ रहे हैं उसके लिए भी आ जाएगा, है ना। खाली आप देख लेंगे आपके सिलेबस में क्या से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कर लें, उस मतलब एग्जाम के बीच वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर लें। लेकिन बेसिक के लिए तो आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऐसे 11th क्लास में आपको रिलेशन दे दिया है, फंक्शन दे दिया है, वहाँ से आपके स्टार्ट हो गया। लेकिन आपको जो ग्रेजुएशन या नेट गेट के एग्जाम स्टैंडर्ड संभाल आएगा, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक तो जानना जरूरी है। इसलिए हम इस तरीके से बताते हैं कि 11th के बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा, BSc वाले को भी बेनिफिट मिलेगा, जो गेट नेट का भी तैयारी करेंगे उसको बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ आपको इतना ही करना है कि आपको इसको एक बार दो बार पढ़ें, उसको अच्छी तरीके से समझें, यदि कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो उसके बारे में हमको बताएं, ठीक है, ताकि हम उसको और अच्छे से आपको इम्प्रूव कर सकें। ऐसे तो हम कहीं छोड़ते नहीं हैं, उम्मीद करते हैं कि हर बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि हर छोटा छोटा बात को हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग मेरे साथ बने रहें, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं सेट थ्री के सीरीज के साथ, और फिर हम ले चलेंगे आएंगे उसमें कि रिलेशन और टाइप ऑफ रिलेशन आपको बताएंगे, रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, है ना। उसमें बहुत सारा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, क्योंकि आप BSc करने लगते हैं, MSc करने लगते हैं, लेकिन यह बात ठीक से क्लियर नहीं हो पाता है, आप समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो हम उसको क्या करेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके तोड़ तोड़ के आपको बताएंगे। सिर्फ आप लोग को पूरा अपने सेट से आप देख लें, आपको सेट से पढ़ने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको हम और क्या क्या आगे अच्छी तरीके से हम समझा सकते हैं। बात क्लियर है, तो आज हम लेते हैं यहीं पर विदा। शुभ बाय।